मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मैं आपको लास्ट में कुछ क्लिपें सुनाना चाहता हूं, आप इनको सुन लीजिए। मैं किसी भी व्यक्ति को अभद्र नहीं बोलता हूं, और आप लोगों को लेकर के मुझे टारगेट करता कोई भी हो, जबकि यकीन मानिए कि आपके विभाग का मैं इतना सम्मान करता हूं, मैंने कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की। मैं हमेशा उसके ऊपर टिप्पणी करता हूं जो व्यक्ति गलत होता है। वो गलतियां हैं, उस गलतियों पर सुधार करना चाहिए। और ये बात तो मैं शुरू से कह रहा हूं और आगे भी कहता रहूंगा। भैया देखिए, जब तक आप लोग नौटंकीबाजी से दूर नहीं होंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। मैं आज आपको क्लियर बता रहा हूं, आप धरना नहीं, आप जो मना है वो करके देख लो, आप ये मान के चलिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर जान गया हूं कि जो लोग झूठ बोलते हैं उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही लोग पसंद करते हैं। जो ठगी का काम करते हैं भाई, उनका तो पद के नाम पे पैसा बांट करके उनका घर परिवार चल रहा है, तो बड़ा आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो एक व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है, क्या बात है यार, ताली बजनी चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति, मुझे तो ये लगता है शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सच में इस विभाग के दुश्मन बन गए। अरे कुछ करना है तो कुछ अच्छा करके दो यार, ये नौटंकीबाजी करने से आपका फायदा नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा कि किसी पेज पर। अभी तक 1 तारीख को वेतन पड़ेगा, 3 तारीख को पड़ेगा, 5 तारीख को पड़ेगा, 10 तारीख को पड़ेगा, बोलने वाले व्यक्ति आज अपना हाथ नीचे कर लिए, बोले वेतन बढ़े या ना बढ़े वर्दी लागू हो जाएगी। अब ये वर्दी की राजनीति स्टार्ट हो गई। और मुझे लगता है कि ऐसे अंधभक्तों को अंधभक्ति में रहना भी चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा जो सच्चाई है उसका उजागर करता हूं और अब हमेशा करता रहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं ये जानता हूं कि मैं सही कर रहा हूं, मैं गलत नहीं कर रहा हूं। मैं अगर आपके साथ छल कपट करूंगा तो ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरे साथ गलत होगा। लेकिन अगर आप छल कपट कर रहे हैं हमारे साथ तो वो आपको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो ऊपर वाले के सारे पे छोड़ देता हूं, मैं बर्तन धुलता हूं। मैं जो हमारे यहाँ आ गए ना, वो खुद ही देख गए कि मैं बर्तन धुलता हूँ। हमारे घर पे जो हमारा आवास है हमारे गांव में, वहाँ पे जाकर के भी लोग देख आए हैं कि हमारे माँ बाप हमको भीख मंगवाते हैं और हमारे माँ बाप भीख मांग करके हमको पाल रहे हैं। देखिए मानसिकता लोगों की समझिए, लेकिन कोई बात है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पब्लिश इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को कोई बात आए तो कम से कम ये हमारे पास प्रूफ रहना चाहिए। ठीक है मित्रों, देखिए वीडियो। लाख टिप्पणी करिए, मैं जब तक नहीं मानने वाला हूँ।
जब तक थक थक के हम तुम लोगों को बर्बाद नहीं कर देंगे।